नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्वीटी पाठशाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने बीएचओ का अनऑफिशियल पीजी कट ऑफ डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोग डीयू का कट ऑफ डिस्कस किए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू। अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है, बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर जेएनयू के बारे में बताइए, वो टॉप मार्क्स क्या है या वो लो मार्क्स क्या है जिसपे हमें एडमिशन की पॉसिबिलिटीज समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ जेएनयू के लिए इंतजार करें या ना करें, क्योंकि फालतू कहीं पे पैसा डालना अपने रजिस्ट्रेशन के लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेवकूफी है। और ये भी समझना कि कहाँ पे एडमिशन होगा कहाँ पे नहीं होगा समझदारी है। आप अगर जान जाओगे कि हाँ हमें जेएनयू के अलावा भी ऑप्शंस देख के चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन इसी बार होने की संभावनाएं रहेंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरा कोई वीडियो मिस मत करो, क्योंकि जितने वीडियोज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लगभग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 47 to 50 कोर्सेज डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट जेएनयू में जितने कोर्सेज रन कर रहे हैं पीजी में वो पूरा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि सीयूटी पीजी कट ऑफ 2024 है, ये अनऑफिशियल है, ध्यान देना, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है ये किसी प्रकार का। हाँ, लेकिन इसका जो सोर्स है वो लास्ट ईयर का है और इस बार के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स की बेसिस पे किया गया है। तो कहने का मतलब है कि 80 to 90% इसको भरोसा इस पे भरोसा किया जा सकता है। और वैसे भी मेरे जितने भी एनालाइज कटा वीडियोस आते हैं बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत पसंद भी आता है। फर्स्ट है यहाँ पे एमए डिजास्टर स्टडीज, जनरल के लिए 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ओबीसी के लिए 110, एससी के लिए 90 और एसटी के लिए 75। ठीक है, हाईएस्ट कितना था 148। ओके, यहाँ पे तीन कोर्सेज का मैंने एक ही साथ लिख दिया है, ध्यान देना, एमए इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स, इसमें इस स्पेशलाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमी का। ठीक है, इन दोनों का एक साथ ही है, 265, 250, 230, 210, 180, हाईएस्ट कितना था 182। ठीक है, इसका भी 182 ही हाईएस्ट है, ध्यान देना कि यहां पे मैंने लगभग -15 तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में -15 करके भी आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो और बाकी एज इट इज ये लोग एससी और एसटी वाले फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक एमपीएच है, ध्यान देना, और 140 इसका हाईएस्ट क्या हुआ है, एसटी के लिए 150, एसटी और एससी के लिए 170, ओबीसी के लिए 185, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 200 है और 210 है आपका जनरल के लिए। ठीक है, एमए आर्ट्स एंड एथलेटिक्स, ध्यान देना, 160 जनरल के लिए, 150 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 140, एससी 130 और 100 नंबर एसटी, हाईएस्ट गया है 185, 185। ओके, यहां पे एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज है, 230 जनरल के लिए, 225 ईडब्ल्यूएस, 200 ओबीसी, 190 एससी, 160 एसटी, हाईएस्ट गया है 255। ध्यान देना है कि इसमें आप लोग -15 भी कंसिडर कर सकते हो, यानी इन तीनों में या पूरे में 15 नंबर माइनस करके भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझाना है, जब मैं फॉरेन लैंग्वेज का बताऊंगा तो वहां पे आप ज्यादा माइनस मत ले जाना, क्योंकि वहां बच्चों की डिमांड रहती है, ऑलरेडी मैं बहुत कम करके लिखा हूं। ठीक है, लेकिन मैं जब सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, इन सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, तो यहाँ पे कट ऑफ अप डाउन होंगे, कम भी जा सकता है, क्योंकि ये कोर्सेज विश्वविद्यालयों में अवेलेबल है, बीएचयू में अवेलेबल है और भी कॉलेजेस में अवेलेबल है। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के लिए जेएनयू ने अपना एक इमेज बना रखी है, एक पोजीशन है कि नहीं भाई, आप अगर हमारे यहाँ आते हो तो हम आपको एडमिशन देंगे और प्लेसमेंट भी देंगे। तो बच्चे जेएनयू में जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे एमए ज्योग्राफी, ठीक है, एमए ज्योग्राफी देखो इसलिए जाना चाहते हैं, जो यूपीएससी की डिमांडिंग कोर्सेज हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पबैब, फिलोसफी एज ऑप्शनल यूपीएससी रखते हैं एथिक्स के लिए, तो ये कोर्सेज थोड़ा सा यूपीएससी के वजह से अपना कट ऑफ जेएनयू में हाई करता है, बाकी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज में भी है। तो इसीलिए ज्योग्राफिक बच्चे जो है ध्यान देना, 225, 220, 210, 200, 180 और हाईएस्ट 247। ठीक है, एमए मॉडर्न हिस्ट्री और एमए मिडावल हिस्ट्री, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे बीएचयू में ईआईएससी अलग है और हिस्ट्री अलग है, इनके यहाँ हिस्ट्री के जो भी पार्ट्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सबके लिए इन्होंने अलग अलग कोर्सेज चला रखा है। तो इन दोनों का मैं एक साथ लिखा हूं, 210, 200, 190, 170, 165, हाईएस्ट 232। एमए फिलोसफी, ध्यान देना कि फिलोसफी में बच्चे एडमिशन लेते लेते कई बार पीछे हो जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज एनालाइज किया हूं कि जो टॉपर्स होते हैं वो जेएनयू में जाते ही जाते हैं, वो अपना पैर पीछे नहीं खींचते हैं। पैर अपना कौन पीछे खींचता है, जिनके नंबर कम आए होते हैं, वो बीएड करने लगते हैं या उनका कहीं और किसी प्रोफेशनल कोर्स में होगा तो वो करने लगेंगे, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो कहीं ना कहीं
जेएनयू में जो अवेलेबल सीटें हैं उन सीटों को फुलफिल करने के लिए एनएफ है, तो बहुत ज्यादा कम करके मत देखना, ठीक है। डीयू में बहुत कम कर सकते हो लेकिन जेएनयू में नहीं। 225, 215, 200, 180, 160 और 148 हाईएस्ट गया था, ठीक है। हम लोग सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं, एमए पॉलिटिकल, एमए पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज और एमए पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों का एक साथ हम लोग देख रहे हैं। 250, 240, 230, 210, 190, हाईएस्ट 270, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड हाईएस्ट मार्क्स आई है। एमए सोशियोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स था, तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बढ़ा के लिखा हुआ 260, 250, 230, 210, 290 हाईएस्ट, 200 यहाँ पे 190, ठीक है, 210, 190, 290 हाईएस्ट था यहाँ पे। एमए इंग्लिश, ध्यान देना कि इंग्लिश हर यूनिवर्सिटी में लगभग अवेलेबल है, लेकिन जेएनयू में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, भाई अपना सपना साकार करना चाहते हैं, इसलिए मैंने हाईएस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, हो जाएगा 200, 250, 190, 180, 170 और यहाँ पे 225 आपका हाईएस्ट है। संस्कृत के लिए 260, 255, 230, 220, 200 हाईएस्ट, 282। लिंग्विस्टिक के लिए 240, 230, 210, 190, 170, 260। सेम अरेबिक के लिए फॉलो कर लेना, चाइनीज में जाते हैं 100 नंबर, 90 नंबर, 75 नंबर, 60 नंबर, 55 नंबर, 50 नंबर और 138 हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पे एमए फ्रेंच एंड स्टडीज करके कोई है, यहाँ पे 200, 190, 160, 170, 165, 231 हाईएस्ट गया था। अब ये जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस किया है, लगभग अप्रोक्स अरेबिक और चाइनीज, संस्कृत, इंग्लिश को छोड़ दो, तो सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप लोग 15-20 नंबर कम करके भी एडमिशन पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अरेबिक और चाइनीज और इन लोग में भी कम करके देख सकते हो, कभी बच्चे अवेलेबल नहीं होते इन लोगों में, ठीक है। अब हम लोग आगे थर्ड स्लाइड पे, एमएस जर्मन। अब देखो यहाँ पे लगभग जितने हैं ना, सब क्या है, सभी के सभी फॉरेन लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेज में ज्यादा कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एमएस जर्मन लिटरेचर 205, 200, 190, 180, 160, हाईएस्ट 236। स्पेनिश, कोरियन, यहां तक, ठीक है, सब सेम ले लेना यहां तक, हाईएस्ट 236, 232, ठीक है, ये सब अपना सेम ले लो। हम लोग आ जाते हैं सीधे अब कोरियन में, 175, 170, 160, 150, 140, हाईएस्ट 195। पश्तो एंड पारसियन नॉट अवेलेबल है, हाईएस्ट 119, 150। ध्यान देना कि इसमें लगभग 50% टॉपर से जो लोग भी पाए हैं वो अपना अप्लाई कर देना, एडमिशन मिलने की संभावनाएं रहेंगी। रशियन में 190, 185, 175, 160, 140, 215 हाईएस्ट गया था। उर्दू में ध्यान देना कि यहाँ मैंने कट ऑफ लिखा जरूर है, लेकिन अपने टॉपर से कैटेगरी वाइज 50% आधे पे भी खड़े हो तो अपना अप्लाई कर देना, एडमिशन के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हम लोग उसके नीचे आ जा रहे हैं, मीडिया उर्दू में भी ये मैंने लिखा हुआ है, 170 तक आप फॉलो कर लो, और ओबीसी डब्ल्यूएस में 160 तक देख लेना, एसटी एससी में 150 प्लस देख लेना, 190 हाईएस्ट गया था, तो एडमिशन पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी। इसके नीचे जो ये तीनों कोर्सेज हैं, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक डाटा साइंस, एमटेक नैनो साइंस, इन तीनों के लिए 180, 170, 160, 150, 207 हाईएस्ट गया था। नैनो साइंस के लिए मैंने अलग से लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, ठीक है। लगभग इन तीनों में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में लगभग 80 अगर आप लाए हो किसी कैटेगरी से हो तो अप्लाई कर देना, और वही एससी एसटी में अगर 70, 60 ले आए हो तो अप्लाई कर देना, मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग को देखना है एमटेक नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, 110, 105, 190, 107, 150 हाईएस्ट, 100, ये 150 नहीं है, ये है आपका, एक मिनट इसको कम करना है, ये हाईएस्ट गलत लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, नहीं हाईएस्ट एक सही लिखा हुआ है, यहां वाला आप इसको कम कर दो, ठीक है, ये 70 हो जाएगा, एक मिनट, 190 ये गलत हो गया, ठीक है, ये वाला आप लोग इरेज कर देना, ये गलत हो गया है, ठीक है। ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक बच्चे जो है वो प्लीज करेक्ट कर लो, यहाँ पे इसमें एयर करेक्शन है। एमएससी केमिस्ट्री में आ जाते हैं, और इसके लिए नीचे एमसीए मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, 235, 225, 180, ध्यान देना ये एससी एसटी दोनों का है, ठीक है, मतलब इतने में हो तो, और ये आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों का है, ठीक है, मतलब इतने प्लस में हो तो अप्लाई कर देना, क्योंकि आपका हाईएस्ट लगभग दोनों का सेम ही था, मतलब 55, 252 ऐसे करके था। उसके बाद यहाँ पे ये जो है आपका बायोडाटा एनालिटिक्स का है, ये भी सेम मार्क्स फॉलो हो जाएगा, क्योंकि आपका 252 नहीं है, ठीक है, सेम मार्क्स फॉलो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, 165, 160,
ठीक है, 150, 130, ध्यान देना कि 160 ये ईडब्ल्यू एस और ओबीसी दोनों का है, ठीक है, दोनों के लिए। अब यहां पे हम लोग एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन का देखते हैं, 220 से 200 चाहे किसी कैटेगरी में आओ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी में आओ, तीनों लोग अप्लाई कर देना, ठीक है। और वही 180 प्लस में चाहे एससी एसटी अप्लाई कर देना, क्योंकि हाईएस्ट आपका 241 261 गया हुआ था। एमएससी मैथमेटिक्स, अच्छा हाँ यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूंगा, कुछ बच्चों का कमेंट था लास्ट में मैंने एमएससी का टॉपर गलत लिख दिया था, भाई माफ करना, अभी मैं सही कर दिया हूँ। यहाँ पे ये है आपका 265, एसटी के लिए 190, 200 एससी के लिए 110, आपको ओबीसी के लिए 220, ईडब्ल्यूएस के लिए 230, जनरल के लिए, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज ट्रैक टू करके कोई है कोर्स, 145, 130, 120, 90, 173 जो है वो कहीं कहीं आपका हाईएस्ट क्या हुआ है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे हैं, ऑलमोस्ट इसमें एक कोर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो अब तक जो लोग देख रहे हैं। एमएससी फिजिक्स, ठीक है, एमएससी फिजिक्स 210, 200, 180, 170 और 240 आपका हाईएस्ट गया था, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बीच में एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देना। इसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएससी कंप्यूटेशनल एंड, अच्छा ये वाला हुआ था क्या, नहीं ऐसा ट्रैक टू ट्रैक वन है, ठीक है, ध्यान देना, वो टू था वन है, यही सेम फॉलो हो जाएगा जो ऊपर वाला था, 246 आपका हाईएस्ट था। एमए हिंदी अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, एमए हिंदी ध्यान देना कि बीएचयू अपने हिंदी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन जेएनयू लोग जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे भाई किसी भी कोर्स की जो डिमांड है वो टॉप पे है, वो यूनिवर्सिटी ही टॉप में है, वर्ल्ड में भी अपनी पहचान बनाकर रखा हुआ है। तो 240, 220, 200, 180, ठीक है, इस बीच में जो भी कैटेगरी जाती है, और इस बीच में जो भी कैटेगरी मतलब जनरल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए है, और इस बीच में एसटी एससी, ठीक है, 271 हाईएस्ट गया था, मतलब ये नंबर आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर देना कैटेगरी वाइज, ठीक है। तमिल के लिए 210, 200, 180, 170, 255 हाईएस्ट गया हुआ था। सेम आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए फॉलो कर लेना, यहाँ पे 200 के 200 फॉलो कर लेना, ठीक है, ऊपर वाला 210, 200, 180, 170 फॉलो कर लेना, 232 आपका हाईएस्ट गया हुआ है। जापानीज स्टडीज के लिए आप लोग 170 और वही जनरल के लिए, और 160 से 165 आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए फॉलो कर लेना, और 150 एसटीएससी फॉलो कर लेना, 192 आपका हाईएस्ट गया हुआ है। लास्ट है एमएससी लाइफ साइंसेज के लिए, 210 जनरल के लिए, 200 से 190 ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है, वही 160 एसटीएससी दोनों के लिए है, 251 आपका हाईएस्ट गया हुआ था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस कटऑफ के अप डाउन के जो प्रोसेस है उस पे हम लोग था मेंशन करते हैं, इवन थोड़ा सा आपका वो देख लूं, मिनट कितना बचा हुआ है मेरे पास, ओके आई हैव 3 मिनट्स लेफ्ट, ओके। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कटा अप डाउन कब हो सकता है, पहली बात जेएनयू में जो बच्चे जाते हैं ऑलरेडी बहुत डेडिकेटेड होते हैं, मतलब जिनको जाना है वो जेएनयू जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी मार्क्स आया है आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करो कि जो टॉपर का मार्क्स है क्या वो आप कैटेगरी वाइज 90%, ओबीसी के लिए 80%, एससी के लिए 70% और एसटी के लिए लगभग 50 से 55% अगर आप हो तो आप एडमिशन की पॉसिबिलिटीज इन नंबर की बेसिस पे कहीं कहीं गेस कर सकते हो। तो प्लीज ध्यान देना, ये बच्चे जो जेएनयू में आ रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, बाकी हमारे पास अगर आप इस यहाँ पे पोजीशन बना पा रहे हो तो इसके नीचे जो बीएचयू है एचसीयू है वहां पे तो आराम से मिलने वाला, टीयू में आराम से मिलने वाला, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, लेकिन ध्यान देना है कि आपको वहीं आजमाना है जहां पे एडमिशन पॉसिबिलिटीज ज्यादा है और उसके बाद एकदम नीचे तक नहीं गिर जाना है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरे हर वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। हर हर महादेव।